नमस्कार, आप देख रहे हो द वॉइस ऑफ बिहार और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के कलेक्ट्रेट के पास से गुजर रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि जब से बिहार में लॉकडाउन हुआ है तब से कुछ ऐसी सूरत है। ये सीतामढ़ी का समाहरणालय है, कलेक्ट्रेट है, जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ लगा करती थी, लेकिन आज इस तरह की कोई भी भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। वजह कि कोरोना की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है उसको आप बखूबी जान रहे हैं और आप ये भी जानते हो कि लॉकडाउन का पालन करना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से अभी इस वक्त सीतामढ़ी का जो समाहरणालय है ये भी बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। हालांकि जो पदाधिकारी हैं, जो लोग, जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन आज समाहरणालय भी बिल्कुल वीरान है। तमाम लोगों को, तमाम पब्लिक को ये हिदायत दी गई है कि आप अपने अपने घरों से ही अपना काम करें, निकालो, अपने अपने घरों से ही अपना काम करें और अपने घर पर रह करके लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं कि उन्हें ऑनलाइन काम करने को कहा गया है, उन्हें कहा गया है कि आप घर से ही इन चीज़ों का पालन करें। इस वक्त द वॉइस ऑफ बिहार आप तक पल पल की खबर कर रहा है, वहीं साथ में सबसे बड़ी बात जो आ रही है, जो छन के सामने आ रही है, पिछले 3 दिनों में लॉकडाउन की वजह से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से लगभग सैकड़ों मजदूरों ने, मैं समझता हूँ कि 200 मजदूरों ने द वॉइस ऑफ बिहार को फ़ोन किया। सुबह, शाम, दिन, दोपहर, रात, हर वक्त मजदूरों के फ़ोन आते रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें खाने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं है, उनके पास खाने पीने की जो भी चीज़ें थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। 133 चौदह खाने पीने की तमाम चीज़ें जो उनकी खत्म हो चुकी हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। उनके बहुत ज़्यादा बुरहाल हैं, वो इस हालत में आ गए हैं कि वो भूखे मरने को भी अब बेताब हैं। उनके पास बिहार लौटने के लिए कोई साधन है नहीं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें हैं। ऐसे हालात में बिहार सरकार ने, जी हाँ, बिहार सरकार के मजदूरों को जो भी सहायता देने की बात की गई है, अभी से 2 दिनों पहले बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मजदूरों के लिए कहा कि 3 नंबर जारी किए गए हैं, जितने भी फोन कॉल आ रहे हैं मुझे, वो 3 नंबर फेलियर साबित हो रहे हैं। तीनों में से कोई एक नंबर बिहार सरकार द्वारा लिया गया, तीनों नंबर फ्लॉप साबित हो रहा है। जी हाँ, बिहार सरकार द्वारा दिया गया तीनों नंबर फ्लॉप पर कोई बात नहीं हो रही है। बिहार सरकार की करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है और धरातल पर दिख रहा कुछ और है। बिहार के जितने भी मजदूर तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, असम में, तमिलनाडु में, गुजरात में, जहां कहीं भी फंसे हुए हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। वो हमें लगातार फोन कर रहे हैं, वो हमसे संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार सरकार द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल नहीं लग रही है, बातें नहीं हो रही है। बिहार सरकार ने जो नंबर जारी किया है वो स्टेट सरकार के दिल्ली के अथॉरिटी का 3 मोबाइल नंबर है, जबकि बिहार सरकार को चाहिए ये कि पटना में एक सेंटर बनाए और पटना में एक सेंटर बनाए जहाँ पर टोल फ्री नंबर लगाए जाएं और 50-100 लोग लगाए जाएं। साहब, बिहार के लाखों लोग बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के लाखों मजदूर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हर जगह फंसे हुए हैं, लेकिन नीतीश सरकार नाकाम है, सरकार फेल है, सरकार की योजनाएं फेल है, सरकार बोल पूछ रही है, कर पूछ रही है। सरकार ने सिर्फ 3 नंबर जारी किया है साहब, जी हाँ, सरकार ने सिर्फ 3 नंबर जारी किया है, वो चिंता कर रही है। द वॉइस ऑफ बिहार को लगातार फोन कॉल आ रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि
सरकार द्वारा दिए गए नंबरों पर वो कॉल करते हैं तो उनका कॉल लगता ही नहीं है। आप हम लोग बिहार के सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा ब्लॉक के खाप खोपरा पंचायत के मजट्टी निवासी हैं। हम लोग एक दिन पहले यहाँ आए थे 21 मार्च को और 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया। हम लोग के पास न कोई पैसा है न कोई खाने का सामान है। हम लोग यहाँ काम धंधा भी नहीं है और भूख से मर रहे हैं। खाने पीने का सामान जो भी था खत्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, नीतीश कुमार जी को मेरा अनुरोध है कि हम लोग को यहाँ से घर पे जाने का कोई कृपा करे या कष्ट करे और कोई उपाय सोचा जाए। हम लोग बहुत परेशान में यहाँ फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे गांव के हैं, हमारे जिला के, सीतामढ़ी जिला के बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इनमें से हम लोग मचट्टी निवासी यहाँ फंसे हुए हैं। आप लोग लुधियाना में, लुधियाना शहर पंजाब में, यहाँ से कोई स्थिति नहीं है। यहाँ ना कोई सामान हम लोग के पास राहत का पहुँच रहा है। जिस भाई के पास ये वीडियो जा रहा है उसे अनुरोध है कि वो आगे इसको शेयर करे। और हम लोग नंबर लाखों बिहारी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने 15 नंबर जारी किया है। हुजूर नीतीश कुमार, अभी चुनाव आने वाले हैं, हुजूर कम से कम चुनाव के नाम पे काम कर लीजिए वरना ये जनता माफ नहीं कर। मोदी जी, आप तो 21 दिन के लिए बंद कर दिए, अब हम लोग यहाँ रह के बाहर में क्या खाएंगे बताइए। भुखमरी से हम लोग मर जाएंगे, कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे तो साला भुखमरी से मर जाएंगे। एक हफ्ता कमाते थे तो वो पैसा थोड़ा घरे भेजते थे, उसी में से थोड़ा राशन का ला के खाते थे। अब काम बंद कर दिए, 21 दिन के लिए सब बंद कर दिए, अब हम लोग क्या खाएंगे। किसी से पैंचों पालट मांगते हैं तो कोई नहीं देता है, कहता है कि मजबूरी में हमारा अपने पैसा के दिक्कत है। तो हम कैसे, तो ऐसे कोरोना वायरस से आदमी तो नहीं मरेगा, भुखमरी से मर जाएगा। जब मरना ही है तो घर ही जाके मरेंगे। आप बंद कर देते हैं आ कहते नहीं है कि बंद करना है, बंद करेंगे, जाना है जिसको घरे जाओ। छुपे छुपे अपने मन से काबिल बनते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसे होता है, ऐसे देश चलेगा? आपके वजह से कितना आदमी मर जाएगा भुखमरी में। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेगा, भुखमरी से पहले। आप, मैं जानता हूँ कि अभी जो आपातकाल है, अभी जो जिस तरह के हालात हैं, इस हालात में सरकार भी मजबूर है, लेकिन सरकार को चाहिए, नीतीश सरकार को चाहिए, सरकार के सभी मंत्रियों को चाहिए, विधायकों को चाहिए, एमपीओ को चाहिए, आपस में बैठ के बात करें। पटना में ही टोल फ्री नंबर बांटे जाए पटना से, और कम से कम 100-200 लोगों की टीम बनाई जाए, 200 लड़के बैठा ले जाए, 200 कर्मचारी बैठाए जाए। एक टोल नंबर फ्री होगा और उसी टोल नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बिहारी मजदूर फंसे हुए हैं। सीतामढ़ी जिला के रहने वाले हैं हम लोग, अहमदाबाद में फंसे हुए हैं। 10-12 दिन से काम बंद है, खाने पीने का भी व्यवस्था हम लोगों के पास सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। हम लोग अपने भीसी में जो खाते थे वो बंद हो गया है, नहीं हाथ में पैसा आ रहा है कहीं से, और हम लोग बहुत परेशान हो गए हुए हैं। और हमारे जो जिला प्रशासन है से वो अपील है और उससे हम गुहार लगा रहे हैं कि वो हम लोगों को यहाँ से किसी भी तरह से निकाले। खासतौर पे जो हमारे सांसद है पिंटू कुमार जी, उनसे भी अपील है कि किसी भी तरह से निकाले। हमारे जो सलमान सागर है उनके माध्यम से हम लोग प्रशासन के यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं। अब देखो, हम लोग सुबह से लेकर अभी तक ले भूखे प्यासे हैं, एक गिलास पानी तक नहीं अभी किसी बंदा ने पिया है। सब की सफ्तर अपना सुता पा रहा है, नहीं नीचे जा पा रहा है, नहीं रूम में सेफ है। बस वैसे ही अगर बीमारी से तो ज़्यादा हम लोग को यकीन है कि भूखे ही मर जाएंगे हम लोग। मैं अभी इस वक्त सीतामढ़ी आईबी के पास से गुजर रहा हूँ, सड़कें बेहद सुनसान है। इससे पहले कभी भी आपने पेट्रोल पंप है, इससे पहले कभी भी आपने सड़कें इतनी सुनसान नहीं देखी होंगी। वॉइस ऑफ बिहार ऐसे हालत में पूरी से लेकर के अभी तक लगभग 200 कॉल्स आ चुके हैं। जी हाँ, मुझे कहिए, अभी इस वक्त मैं सीतामढ़ी की पास का इलाका है, करगिल चौक का इलाका है, हम यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ भी सड़कें बेहद सुनसान हैं, कोई नहीं मिल रहा है। लेकिन एक गलती क्या होती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, पूरा शहर लॉकडाउन हो गया।
लगे हैं, इंडिया के आंकड़े अब बढ़ने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलतफहमी के कारण फोटो आना चाहिए। जिला सीतामढ़ी नीतीश कुमार से हमसे इतना ही अधिक पर अपना चाहते हैं से हम लोग प्रदेश में फंसे हुए जबलपुर के अंदर, हम इतना चाहते हैं नीतीश कुमार जल्दी हमको हम लोग के बुलाए, यहाँ दुकान भी बंद है और खाने खाने के लिए सभी आदमी मर रहे हैं एक महीना से कम उतना हम लोग के सहायता चाहिए, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं तो हम लोग के इतना सहायता चाहिए से जल्दी नीतीश कुमार हम लोग के बुला लीजिए। हमारे भी यही विनती है कि हम नीतीश कुमार से कहते हैं कि हम लोग को जैसे जैसे बिहार बुला लिया जाए, क्योंकि यहाँ दुकान दौड़ी और गैस वैस खाना वाना सब बंद हो चुका है और खाना सरकार की तरफ से कोई मुहैया नहीं हुआ अभी तक और नहीं होने का उम्मीद है हम लोग को पास। यही हम लोग सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के सोनापट्टी से गुजर रहा हूँ और यहाँ पर भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। शराबगी स्टोर, दुपट्टा हाउस, चाहत वस्त्रालय, तमाम दुकानें बंद है, न कोई आदमी न कोई आदमजात। कोरोना ने इस तरह से तबाही मचाई है कि सारा शहर खामोश हो गया है। इक्के दुक्के लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा ख़ास ज़रूरत है बस वही बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो लॉकडाउन है इसका पालन आपको पूरी तरह से करना है। अगर आप पालन नहीं करोगे तो याद रखो आपकी लापरवाही, आपके अकेले की लापरवाही आपके पूरे परिवार, आपके पूरे समाज, मोहल्ले, गांव, कस्बे और पूरे ज़िला के लिए काल साबित होगा। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि इस लॉकडाउन से जिन लोगों को आफत पड़ी है, जो लोग इस लॉकडाउन में परेशान हैं, वो है बिहार के वैसे मजदूर जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, इन जगहों पर, जो लोग बंगाल में, जो लोग अहमदाबाद में, जो लोग भी फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए न तो उनके पास खाने की चीज़ें हैं, न तो उनके पास रहने की जगह है, वो फेल है। बिहार सरकार ने जो तीन नंबर जारी किए हैं, जो तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, वो तीनों के तीनों हेल्पलाइन नंबर पर फोन नहीं लग रहा है साहब। सरकार के कान में दवाई सौ बिहार भोंपू बजा करके सरकार को होश में लाना चाह रही है, सरकार को ये बताना चाह रही है कि हुजूर सरकार आपने जो तीन नंबर जारी किए हैं वो नाकाफी है, उस पर बात नहीं हो रही है। मैं भी इस वक्त सीतामढ़ी के बाटा दुकान के पास से गुजर रहा हूँ और यहाँ पर भी सड़कें बेहद सुनसान है। कुछ दवा की दुकानें हैं जो खुली हुई हैं और कुछ खाने पीने की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन बार बार पिछले दो दिनों में मुझे लगभग 200 कॉल दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कई जगह से आए हैं। मजदूरों का ये कहना है कि हमने अब हमारे पास में खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, हम जब बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले हमें मारते हैं और हमारे पास एक रुपये भी खाने। आज सुबह दवाई तो बिहार को महाराष्ट्र से कॉल आई, कॉल करने वाले ने बताया कि वो महाराष्ट्र से बात कर रहा है, उसका मृत जिला के सोनबरसा का है, मनोज कुमार नाम है, वो पिछले तीन दिनों से भूखा है, आज उसने रोड पर फेंके हुए सब्जी को कच्चा खाया है। जी हाँ, सड़े हुए फेंके हुए सब्जी को उसने उठाकर कच्चा खाया है क्योंकि उनके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने जो नंबर जारी किए हैं तीन नंबर, वो तीनों नंबर तीनों के तीनों फेल हैं। सरकार को चाहिए कि पटना में 200 लड़के बैठा लो, 200 रिसीवर लगाओ और एक टोल नंबर, जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक टोल नंबर जारी करो, जैसा कि मोबाइल कंपनी का एक टोल नंबर होता है और उस पर हजारों लोग एक साथ बात कर सकते हो, आप इसी तरह से एक टोल नंबर जारी करो और उस टोल नंबर पर लोग आपसे बात कर सके। तो अगर आपने ये नहीं किया और बिहार का एक भी मजदूर, एक भी दिहाड़ी मजदूर कहीं भी भूख की वजह से आगे चलो, बिहार का अगर कोई एक भी मजदूर अगर भूख की वजह से उसकी मौत होती है, उसकी जान जाती है, तो ये बिहार सरकार के नाम पर धब्बा होगा, कलंक होगा। सरकारें अगर होश में नहीं आई तो कोरोना तो बाद में, भूख और प्यास से बिहार के मजदूर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात जैसे जगहों पर भूख के मारे दम तोड़ देगा। मैं तो फोन कॉल उठा उठा कर थक गया हूँ, मुझे रोना आ रहा है। क्या सरकार होश में आएगी? सरकार को सजग होना चाहिए।
हमारे साथ यहाँ पर महसौल चक्र में पहुंचा हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक के कुछ पुलिस हैं, हम इनसे बात करते हैं। कितना इफेक्ट है लॉकडाउन का, मतलब लॉकडाउन किस तरह से पालन हो रहा है? लोग तो देख रहे हैं एकदम खाली है, खाली है एकदम। जो आ जा कर रहे हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं किस काम से पूछ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में जाने वाले जाते हैं आते हैं, बाकी लोगों को मना कर रहे हैं। तो लॉकडाउन का असर तो बिहार में ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन शाम होते ही लोग जिस तरह से सब्जी खरीदने के लिए रोड पर निकलते हैं वो बेहद ज्यादा खतरनाक है। इस कदर भीड़ बनाते हैं कि आपको बता नहीं सकता हूँ। इन बातों का एहतियात रखना है, फिर से बिहारी मजदूरों के लिए आप आवाज उठाएं और उन्हें। ये सीतामढ़ी का स्टेशन रोड है, यहाँ पर भी लॉकडाउन को पूरी तरह से आप लागू होते हुए देख सकते हैं। पूरा जिला इस वक्त लॉकडाउन की चपेट में है, लेकिन शाम होने के बाद जो लोग बाहर निकलते हैं वो सही नहीं है। दवाई सब बिहार ने कई बार इस तरह के पोस्ट किए हैं कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन का पालन शाम में तो कम से कम बिल्कुल नहीं होता है। आप दिन भर लॉकडाउन का पालन करो, दिन भर आप अपने घरों में रहो और शाम होते ही आप बाहर निकलो और एक जगह सैकड़ों की भीड़ खड़े कर दो, तो फिर आपका लॉकडाउन फेलियर होता हुआ नजर आएगा। अगर आप नहीं माने तो ये जो 21 दिनों के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, ये लॉकडाउन बढ़ाकर 3 महीने तक कर दिया जाएगा, आपके हित में है। अगर आपने लॉकडाउन को सही से फॉलो नहीं किया तो मजबूरी में सरकार को इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना होगा। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पठान टोली में मोहल्ले वालों ने ठीक किया। हाँ, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि कुछ जगहों पर लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों ने बेहद अच्छे काम किए हैं। सिस्टम ये आप पठान टोली का गेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहल्ले वालों ने दूसरे लोगों के लिए नो एंट्री कर दी है। इस जगह को गेट को घेर दिया गया है और यहाँ पर बाहर के लोगों के लिए नो एंट्री लगाई गई है। सीतामढ़ी का रेलवे स्टेशन का पठानटोली इलाका है, यहाँ पर लोगों ने मोहल्ले को लॉकडाउन किया, पूरी तरह से घेर भी रखा है। वहीं कई तरह के प्रचार लगे हुए हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति या प्रवेश वर्जित है, लॉकडाउन पूरी तरह से फॉलो करें। और वहीं यहाँ पर खाने भी बनाए जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखलाऊं कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो खाने बना रहे हैं और ये खाना बना करके उन गरीब लाचार मजबूर लोगों को खाना दिया जाएगा जो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के आसपास।